उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित और मौत के मामले थम नहीं रहे हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 7,749 नए संक्रमित मिले, जबकि 109 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 2,64,683 के पार पहुंच गई है। वहीं बात करें जिलों की, तो देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,352, उधम सिंह नगर में 924, हरिद्वार में 913, नैनीताल में 886, उत्तरकाशी में 592, पौड़ी में 427, टिहरी में 385, अल्मोड़ा में 305, रुद्रप्रयाग में 232, चमोली में 203, चंपावत में 200, पिथौरागढ़ में 173 और बागेश्वर जिले में 157 कोरोना संक्रमित मिले हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तराखंड के देहरादून, काशीपुर, रुड़की में स्थापित प्लांट से देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने ऑक्सीजन का आवंटन पश्चिम बंगाल और झारखंड से किया है, राज्य से ही ऑक्सीजन की आपूर्ति से समय की बचत होगी। उत्तराखंड के कई इलाकों में बुधवार शाम जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश के चलते कैची धाम के ऊपर की पहाड़ी से मलबा मंदिर परिसर में घुस गया, जिससे मंदिर के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि जिले में बादल फटने की घटना नहीं हुई है, पर अतिवृष्टि के कारण कैची धाम के समीप हाईवे बाधित हुआ है। मंदिर के साथ ही कुछ घरों में मलबा घुस गया। एहतियात के तौर पर अल्मोड़ा भवाली हाईवे पर यातायात डायवर्ट किया गया है। इसके अलावा बाकी इलाकों में भी कुछ सड़कें बाधित हुई हैं। देवप्रयाग में बीते मंगलवार को आई आपदा के मद्देनजर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। साथ ही जिलाधिकारी टिहरी ईवा श्रीवास्तव को प्रभावितों को अनुमान्य सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। देवप्रयाग में इस दौरान प्रस्तावित कोविड केयर सेंटर और नई तहसील भवन का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में बुधवार शाम बद्रीनाथ हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। देवप्रयाग से ऋषिकेश जा रही कार पर अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिर गया। बोल्डर गिरने से कार के पर खच्चे उड़ गए। हादसे में कार में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अपना वादा पूरा करते हुए विधायक हरीश धामी ने बुधवार को गोरीपार में मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें लगभग 100 लोगों की जांच हुई थी। हरीश धामी अब 15 मई तक लगातार जौलजीबी, मेतली तथा अनेक क्षेत्रों में कैंप लगाएंगे। धामी ने अपने क्षेत्र की सभी जनता से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैंप में आएं और अपना कोविड-19 टेस्ट करवाएं। नाचनी क्विटी क्षेत्र में लोग बदहाल संचार सेवा से परेशान हैं। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। संचार सेवा की बदहाली के कारण रांची क्षेत्र के ग्रामीण और बच्चे परेशान हैं। मोबाइल फोन में सिग्नल न आने से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 2 किलोमीटर दूर जाने को मजबूर हैं। हरिद्वार में अब कोविड संक्रमित शवों के दाह संस्कार के लिए श्मशान घाटों में भी जगह कम पड़ने लगी है। अब स्पेशल कोविड अस्थायी श्मशान घाट तैयार किया जाएगा। इसके लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। 1 सप्ताह में अस्थायी श्मशान घाट तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण हरिद्वार नगर निगम करेगा। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड के जो लोग हैं, स्पेशली उनके लिए जो उत्तराखंड में रहते हैं और जो उत्तराखंड से बाहर भी रहते हैं, उनके लिए चैनल बहुत ज्यादा कॉन्टेंट भी देता है कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है, उसके आसपास की जगहों में क्या चल रहा है, न्यूज से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी खबरें आपको मिलती है। मैंने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आप लोग भी करिए और इसको फैलाइए।